हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरा नमस्कार। ये प्रोटेक का 1000 वाट का एम्पलीफायर है, MX1000M। ये रेजिस्टेंस सब चेंज करेंगे, ये ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे, सब जल गया। और देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। आप देखिए, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा है इसमें क्या खराबी है। देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। इसका अंदर में देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो माइका है ना, माइका का बैक साइड में ये हीट सिंक कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इसको देख के बैठेंगे, आप भी देख के बैठाइएगा। देखिए, जिसने भी बैठाया वो बहुत ही गलत कर दिया। देखा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखते रहिए, मैं खोल के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको साफ कर लेंगे, आप भी साफ कर लीजिएगा। आपको थोड़ा दिखा दे रहा है, इसको सब खोल के बाहर कर दिया मैंने। इस तरफ भी साफ कर लेंगे, इसके ऊपर धूल मिट्टी जम गया। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, सब यहाँ पर काम करते हैं, हम भी यहाँ पर काम पे आया। फ्रेंड्स, ये मेरे जो हाथ में है, ये सब फिलिप्स का ट्रांजिस्टर है, ये सब खराब हो गया। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जितना भी ट्रांजिस्टर है सब ओरिजिनल टोशिबा का ट्रांजिस्टर है, 5200-1943, ठीक है। इसको बैठाएंगे। और यहाँ पर जो माइका है, मैंने सब साफ कर लिया, यहाँ पर बैठा देंगे। ये सब ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है। देखते रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे। अब इसको सोल्डिंग कर देंगे। ये 1 ohm 2 watt का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है। देखते रहिए, मेरे साथ रहिए, मैं इसको पहले बैठ लेते हैं। सब बैठ गया, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर सब बैठा दिया फ्रेंड्स, ठीक है। इसको बैठने से पहले मीटर से चेक कर लेंगे, कोई यहाँ पर जो माइका है ना, यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, आप चेक कर लीजिएगा। वो आप कैसे चेक करेंगे आपको दिखा दे रहा है। ये जो एल्युमिनियम है, ठीक है, ये बॉडी है, और जो स्क्रू है यहाँ पर देखे, जैसे इसको चेक करेंगे ना तो आपका शॉर्ट पता चल जाएगा। ये जो टाइम से आपने बैठाया
अगर शॉर्ट हो जाए तो मीटर का काटा ऊपर में चला आएगा, ठीक है। मीटर का काटा ऊपर में चला आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको बैठा देंगे और ड्राइवर बोर्ड का जो कनेक्शन है वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये मशीन का ड्राइवर बोर्ड पूरा जल गया, इसमें ड्राइवर बोर्ड बैठाएंगे, आपको दिखाएंगे, देखते रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने टनिस्टर मॉडल बैठा दिया, ठीक है, यहाँ पर सब बैठा दिया। ये ड्राइवर बोर्ड तो जल गया, तो इसके बदले ये ड्राइवर बोर्ड बैठाएंगे। ये सेम ड्राइवर बोर्ड है, इसका कनेक्शन आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ये जो ड्राइवर बोर्ड है ये सेम ड्राइवर बोर्ड है, और पोटेक का और एक ड्राइवर बोर्ड होता है, उसका जो कनेक्शन वो अलग है, इसका कनेक्शन अलग है, आपको मैं बोल दे रहा है। ये कनेक्शन, ये जो इसमें जो बोर्ड था ये पोटेक का एम्पलीफायर है, ये भी ओरिजिनल एम्पलीफायर है, लेकिन इसमें जो बोर्ड, इसमें जो ड्राइवर बोर्ड फिटिंग है और ये बोर्ड सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम बोर्ड है, इसलिए इसका कनेक्शन सेम ही है। लेकिन मैं जैसा आपको कनेक्शन दिखा रहा है, और एक पोटेक का, पोटेक MX1000 का ड्राइवर बोर्ड है, उसका कनेक्शन अलग है, ठीक है। इसका कनेक्शन आप देख लीजिए, इसका जो कनेक्शन आप लोग ठीक से देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा है, इसका जो कनेक्शन ऐसा होगा, ये देखिए प्लस वोल्टेज, और ये है BLC कनेक्शन, यहाँ से बायस वोल्टेज या बेस वोल्टेज बोलिए, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और ये है ग्राउंड कनेक्शन, ठीक है, ये है बॉडी ग्राउंड, और ये वाला जो येलो वाला वायर है यहाँ से यहाँ पर जुड़ा होगा, ये है स्पीकर कनेक्शन, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, और जो ग्रीन वायर है यहाँ से 22 वोल्टेज आउटपुट होके यहाँ पर जो 1943 टनिस्टर है उसका जो बी कनेक्टर सब में जा रहा है, और यही कनेक्शन है, और ये है नेगेटिव सप्लाई कनेक्शन, यहाँ से यहाँ पर होगा, ये जो ब्लू वायर है, और जो वो, और जो व्हाइट वायर है यह BLC कनेक्शन, यहाँ से यहाँ पर होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये कनेक्शन यही है राइट, यही है सही कनेक्शन, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, ये वाला यहाँ से यहाँ पर होगा, ये वाला है यहाँ से यहाँ पर होगा, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ से ये स्पीकर कनेक्शन है, और यह 22 वोल्टेज कनेक्शन यहाँ से यहाँ पर होगा, ये जो ब्लैक वायर है यह ग्राउंड कनेक्शन, ये बॉडी ग्राउंड से या यहाँ से भी ग्राउंड कनेक्शन होके यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया, यही है पोटेक MX1000 का ड्राइवर PCB बोर्ड, मैंने आपको कनेक्शन करके मैंने दिखा दिया, और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ऑडियो कनेक्शन इनपुट हो रहा है, ये है ग्राउंड कनेक्शन और यह ऑडियो कनेक्शन, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। आप लोग आप ठीक से देख लीजिए ये कनेक्शन, और ये है 22 कनेक्शन 1943 का साइड में जाएगा, और ये है 22 कनेक्शन 2SC5200, ठीक है, इस तरफ है 2SC5200 और इस तरफ है 1943, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको देखा दिया कनेक्शन करके, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा कनेक्शन करके आपको नहीं देखा है आज तक, मैंने आपको देखा दिया, ठीक है। और ये बोर्ड पूरा जल गया, पूरा डैमेज हो गया बोर्ड, ठीक है, इसलिए बोर्ड को चेंज करना पड़ रहा है, तो आपको मैंने कनेक्शन दिखा दिया, आप ठीक से देख लीजिए फ्रेंड्स। फिर मैं रिपीट कर रहा है, वायर है, मैंने अलग अलग कलर का ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, यही है कनेक्शन, मैंने आपको दिखा दिया, आप ऐसे कनेक्शन जुड़िएगा, पॉजिटिव BLC कनेक्शन, 22 वोल्टेज कनेक्शन, स्पीकर कनेक्शन, 22 कनेक्शन, BLC कनेक्शन, यह नेगेटिव कनेक्शन, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बोल दिया, अरे है ग्राउंड कनेक्शन, ठीक है, ये ड्राइवर PCB बोर्ड, और ये रेजिस्टर अगर जल जाए तो 150 ओम्स, ये अगर कभी भी जल जाए आप 100 ओम्स भी यहाँ पर बैठा दीजिए तो काम चल जाएगा, 2 वाट का रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बोल दिया, दिखा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इस बोर्ड को मैंने बैठा देंगे, इसका जो कनेक्शन है मैं जोड़ के बैठा देंगे, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये अलग से कनेक्शन करके मैंने दिखा दिया, ये देखिए फ्रेंड्स,
अनशन देख लीजिए। ठीक है, यह ऑडियो जो बीटी बोर्ड है, यह ग्राउंड कनेक्शन, यह ऑडियो और ग्राउंड कनेक्शन, यह पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया, यह था कनेक्शन। ठीक है, जो ड्राइवर बोर्ड हमने आपको दिखाया था वही ड्राइवर बोर्ड है। ये मशीन अभी बन गया, चल रहा है। तो मशीन रेडी हो गया, मैंने आपको दिखा दिया। अगर वीडियो पसंद आए लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, बगल का बेल बटन प्रेस कर रखिए। जब भी आपके लिए वीडियो बना के भेजेंगे आपके पास पहला चला जाएगा। आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं दूसरी कोई मशीन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा रहे आप लोग।